हेलो गाइस, कैसे हो सब? होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए। तो आज अपने पास ही गाड़ी आई है सियाज डीजल DDIS इंजन, हॉर्स पावर 90 वाला इंजन है ये। तो इसमें आज हमारे पास इशू आ रहा है गाड़ी के अंदर कि इसका जो ऑल्टरनेटर इसकी बैटरी चार्ज नहीं कर रहा। देख सकते हैं, जैसे ये हाइब्रिड वाला मॉडल है, इसके अंदर इशू ये आ रहा है कि बैटरी चार्ज नहीं कर रहा। कस्टमर ने पहले भी अपने वहाँ गांव में कहीं पे गाड़ी दिखाई है और गाड़ी के अंदर जो अल्टरनेटर था वो उन्होंने ठीक नहीं कर पाए, प्रॉपरली करंट नहीं दे पा रहा, चार्ज नहीं हो पा रही गाड़ी। तो अभी इसको हम खुलवा रहे हैं और खुलवा के देखते हैं क्या होगा इसके अंदर, और सारी फिटिंग A to Z प्रॉपरली खोल के कवर लगा के दोबारा से इसको फिट करके और चेक करवाएंगे। मीटर में से इसके जो डिजिटल मीटर है, सॉरी मीटर आ रहा है, उसके अंदर से लाइट नहीं जा रही थी बैटरी की, तो वो बैटरी का इशू जो था, इसलिए कस्टमर हमारे पास आए हैं दूर से, ये आए हैं राजस्थान अलवर से। तो अभी करते हैं इस पर काम चालू और बताएंगे। इसके लिए ऑल्टरनेटर निकालने के लिए सारा एक्सल वगैरह निकालना पड़ता है, यहाँ पीछे होता है इसके ऊपर करके, जैसे पुली चल रही है वो निकाल के दिखाएंगे आपको। तो अभी इस गाड़ी के कस्टमर से हमने पूछा है, ये AC भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, इनके एक्सीडेंट कहीं पे हुआ था, तो इन्होंने रेडिएटर और ये जुगाड़ से ही सीधा वीधा करा के लगा दिया था। पर अभी इसका रेडिएटर भी ओपन करके उसको अंदर से सारा क्लीन करेंगे, वो रेडिएटर वो पड़ा हुआ है, अभी करवाएंगे साफ, करवा के साफ और फिर इसके अंदर लगा के दोबारा नया कूलेंट भर के और इसमें फिर काम इसका करेंगे नक्की। रेडिएटर के साथ इसको भी करेंगे साफ अंदर से खोल के, प्रेशर मोटर मार के। अभी ये तो कर दिया, अपना ऑल्टरनेटर ये मायापुरी से पूरा बदलवा के दूसरा डाल रहे हैं, वो रिपेयर नहीं होता। और ये लॉक लगा के और इसकी बेल्ट को पुल्ली को छोड़ना पड़ता है चौड़ा करके, तभी बेल्ट चढ़ती है इसके ऊपर।